बरसाती मेंढो आपके दरमियान जाते हैं, रास्ते से जब आ रहा था न सिर्फ चंद्रायन गुट्टा बल्कि हैदराबाद के मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कई कारकुन मुझे मिले, सबको सलाम करते आया। जैसे ही मेरी गाड़ी दिखी हरकत में आ गए, बोले चलो आ गया क्या बोलता है सुनने। ठीक है, पेट बहुत बुरी चीज होती है इंसान के लिए, मकबरों का भी पेट होता है। बहुत आए हैं मेरे जलसे में यहाँ पर, सबको मेरा सलाम। लेकिन एक छोटी गुजारिश, जो जो सुने जाकर अपने आगा को सच सच कहना। तमाम मकबरों से मेरी गुजारिश है, दूर दूर पड़ोस के घर में बैठकर कोई सुन रहे हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि सिर्फ सुनकर खामोश नहीं जाना, जाकर तुम्हारी बिपाशा को और तुम्हारे वो बफर शेर को कहना कि अमजदुल्ला खान ने चंद सवाल तुम्हारे दरमियान रखा है और इन सवाल का जवाब भी पूछना उनसे। मैं नहीं समझता कि तुम्हें इतनी हिम्मत होंगी, क्योंकि अल्लाह ताला गुलाम बनाना लेकिन गुलाम की सूरत नहीं बनाना। अभी इनके जो यहाँ पर नुमाइंदे हैं आप देख सकते हैं, इनको गुलाम भी बनाया और गुलाम की सूरत भी दे दिया है। ठीक है, ये बस्ती हाफिज बाबा नगर, इस बस्ती से मैं जब भी आता हूं वो जुमला दोहराता हूं, नौजवान नस्ल वाकिफ नहीं, ज़ईफ लोग यहां पर जो मौजूद है मेरी गुफ्तगू का साथ देंगे। सारे बाबा नगर में एक मकान नहीं था। मैं समझता हूं कि 1980 की गुफ्तगू कर रहा हूं, बहुत छोटा था, मेरे वालिद के साथ मैं आया करता था। उमर होटल के सामने एक एयर इंडिया कैफे हुआ करती थी, उस एयर इंडिया कैफे के पास एक प्रॉपर्टी डीलिंग सेंटर की ऑफिस थी। वहां पर हम गाड़ी रख के हाथ में चप्पल लेकर पैंचे चढ़ाकर अपने पैजामे के राज्य मिल्लत पैदल पैदल कीचड़ में आया करते थे। यहां पर जो आज हमारे साथ नहीं है पाशा भाई, उनके मकान के पास एक छोटी ऑफिस थी, झाड़ के नीचे उसके अंदर बैठा करते थे। वहां पर बैठकर लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर शहर के मुख्तलिफ लोगों को लाकर यहां पर बसाए। जब चमन आबाद हो गया, इस चमन में गुलाब का फूल खिल गया, हरियाली आ गई, तो किसी ने आकर कहा कि यह चमन मेरा है। ये बड़े अफसोस की बात है कि हाफिज बाबा नगर आज तकरीबन 30,000 ऑटों का इलाका हो गया। ये कितनी खुशखबरी की बात है आपके लिए कि इस हाफिज बाबा नगर में 2 म्युनिसिपल डिवीजन बस रहे हैं। जहां पर हाफिज बाबा नगर में 10 मकान नहीं हुआ करते थे, 20-25 साल में इस आबादी को अल्लाह ने नवाजा। तो ये अल्लाह के बाद में अगर किसी की जुस्तजू थी तो वो मरहूम फैज अमानुल्लाह खान की जुस्तजू थी। जिस शख्स ने अपनी जवानी इस बस्ती के लिए दे दिया, जिस शख्स ने अपनी ज़ईफ़ी इस बस्ती के लिए दे दिया, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस बस्ती से उस जमात के लिए अगर वोट नहीं मिलते तो बतलाओ क्या मेरा एतराज, क्या मेरी शिकायत वाजिबी है या नहीं है। इस बस्ती में पानी लाने के लिए कितनी मेहनत की गई आप लोगों को मालूम नहीं। उस वक्त कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर का गिरेबान पकड़कर उस वक्त के म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर को लाकर यहाँ पर उसको चप्पल से मारकर उसको पैदल ले जाकर उसको यहाँ पर जबरदस्ती पानी की टंकी के लिए जगह लेना पड़ा और पानी की लाइन लाना पड़ा। कल तक
डिफेंस का झगड़ा हुआ करता था कि डिफेंस वालों ने यह ऐलान किया इस बस्ती को आबाद होने से पहले, इस बस्ती को आबाद होने से पहले यहां पर एक सीआरपीएफ का कैंप डाला गया था। सीआरपीएफ का कैंप डालकर पूरा बाउंड्री यहां पर पूरी वायरिंग कर दी गई थी और सीआरपीएफ वालों ने कहा कि अगर कोई यहां पर मकान बनाएगा तो उसको गोली मार देंगे। सबसे पहला अगर कोई शख्स था जिसने अपना सीना पेश किया उसका नाम है अमानुल्लाह खान। सीना पेश किया सीआरपीएफ वालों की बंदूक के सामने। जब कहीं जाकर ये बस्ती बसी है, नौजवान नस्ल जो आज अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद कह रही है, मैं थोड़ा माजी की तरफ इसलिए जा रहा हूं कि बस्ती एक या दो दिन में नहीं बस्ती, बस्ती बसते बसते बस्ती बसती है। आज आ गए चंद पैसों के बलबूते पर, चंद पैसों के बलबूते पर आकर यहां पर लोगों को जहन को मुंतशिर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कभी भी इस उनवान पर गुफ्तगू नहीं किया, लेकिन आज मजबूर होकर इस उनवान पर गुफ्तगू कर रहा हूं। मेरे फाजिल मुकर्रर ये कह रहे थे कि लोग ये कहते हैं कि अमानुल्लाह खान महदी था, अमानुल्लाह खान के लड़के महदी है इसलिए हम वोट नहीं देंगे। तो ये मेरा सवाल है, उन नापिकारों से मेरा सवाल है, उन जलीलों से मेरा सवाल है कि अमानुल्लाह खान ने बाबा नगर को बसाया, अमानुल्लाह खान ने गुलशन इकबाल कॉलोनी को बसाया, अमानुल्लाह खान ने गाजी मिल्लत कॉलोनी को बसाया, बंदरा गुड़े को बसाया, हाशमाबाद को बसाया, तलाब कट्टे को बसाया, भवानी नगर को बसाया, अमन नगर ए को बसाया, अमन नगर बी को बसाया। की बस्ती को बसाया अमानुल्लाह खान ने यह देखा कि हय्याला सलाह हय्याला फलाह की आवाज उस बस्ती में गूंजनी चाहिए। अमानुल्लाह खान ने यह देखा कि जो बाजू के इलाकों में आंध्र प्रदेश के जो कर्नाटक महाराष्ट्र में फिसाद हो रहे थे, वहां से लोग जो आ रहे थे फिसादा इलाकों में जो लोग सर पर सामान लेकर यहां पर आए उनको बसाने का काम अमानुल्लाह खान ने किया। अरे जलीलो, जो कहते हैं कि अमानुल्लाह खान महदी था या अमानुल्लाह खान की औलाद महदी है, आज मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं कि पूरे बाबा नगर में कौन है, पूरे तलाब कट्टे में कौन है, पूरे अमान नगर में कौन है, पूरे भवानी नगर में कौन है, पूरे हाशमाबाद में कौन है और पूरे बंदलागुड़े में कौन है। बात तो कह दिए ठीक है, तो फिर वो मौजम खान तुम्हारे पास मिल रहे तो वो कौन से फिरके का है, वो कौन से फिरके का है बताओ। आज बातें इल्जामे लगाने के लिए बहुत बात है, मैं कभी भी इस उन्वान पर गुफ्तगू नहीं किया मेरे भाइयों। आज मेरे फाजिल मुकर्रर जब कह रहे थे तो मैंने मन बनाया कि चलते चलते आज एक चरपटा तुमको भी मार के चलू इस मसले पर। इतना बोल सकता हूं कि जब राजा सिंह की जबान पर पाबंदी लगा सकता हूं तो तुम तो राजा सिंह के पट्टे हैं। तुम सुन रही, छह केसों में परेशान हो गया, सिर्फ छह केस, दो डबीरपुरा, एक गुलबर्गा, एक निजामबाद, एक गोशा महल, एक बेगम बाजार, छह केस में पतली कर दिया सारे चीज की। आज राजा सिंह अयवानी असेंबली में ठहर के, राजा सिंह अयवानी असेंबली में ठहर के बोल रहा, पुराना शहर पाकिस्तान हो गया, पुराने शहर में आतंकवादी रहते हैं। कहा गए बाकड़े पहलवान, क्या कर रहे थे असेंबली में? सात के सात पूरे नामर्दों की फौज। अगर अमानुल्लाह खान का एक वाक्य सुनो, अरे बाबा नगर के लोगों, नरेंद्र ने एक मरतबा, नरेंद्र एमएलए था हिमायत नगर का, अमानुल्लाह खान एमएलए थे चंद्रायन गुट्टे के, किसी मौके पर नरेंद्र ने लपकुशाई की यही पुराने शहर के मुसलमानों के खिलाफ में, गिरेबान पकड़ लिया, पकड़ कर उसको डिच्चा मारे, अयवान असेंबली में नाक में से खून निकल गया, हाथ छुड़ा कर भागा और दो या तीन दिन तक अयवान असेंबली नहीं आया। काश अगर सोचो अमानुल्लाह खान असेंबली, अरे अमानुल्लाह खान तो बहुत दूर की बात, अगर भरत खान, कायम खान या अमजदुल्लाह का अयवान असेंबली में रहते, ये जमीन की
पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान से बड़ा पाकिस्तान है पुराना पाकिस्तान कहता पाकिस्तान है। हिंदुस्तान के सामने पुराने शहर के मुसलमानों को लपकुशाही करा, ये सात नामर्द वहां पर बैठे रहे, थे नहीं थे, देखे नहीं देखे टीवी पे ये सब नहीं। अब इन्हें निकल के बोलता मैं पुराने शहर को आतंकवादी का अड्डा है बोल रहा, ठीक है आजाद देना अगर जुर्म है तो मैं बराबर आजाद दूंगा, कलमा पढ़ना जुर्म है तो मैं बराबर कलमा पढ़ूंगा, नमाज पढ़ना जुर्म है तो मैं बराबर नमाज पढ़ूंगा। सुन ले राजा सिंह, ये जो लतकुशाही है आज इसकी फाइल लाया हूं, थोड़ी देर से उसकी फाइल खोलूंगा। हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस, मैं अगर कोई बयान दिया फौरी केस बुक कर देते, मेरे को गिरफ्तारी का वारंट। अब्बू आसिम आजमी आए थे आज से कुछ दिन पहले आलेर एनकाउंटर के ऊपर, बच्चों को पैसे देके गए, तकरीर करे, हम इश्तियार इंडिया तकरीर, हम इश्तियार इंडिया तकरीर करे। अब आप देखो हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि मेरे पास राइट टू इंफॉर्मेशन में निकालो मेरे भाइयों। देखो ये मजलिस की जो बहादुर सेना, ये मजलिस के बहादुर मकबेर, अरे अगर एक घंटे के लिए अगर इख्तदार देकर बतलाओ कैसा राजा सिंह को अंदर ऐसा डराऊंगा जिंदगी भर भी बाहर नहीं आएगा। कितने केस है, कितने केस है मालूम राजा सिंह के ऊपर पेंडिंग वारंट, तकरीबन 52 केसेस है उसके ऊपर, 52 केसेस आरटीआई की लिस्ट लाए हूं देखो मुसलमानों, ऐसी मोटी फाइन, लेकिन उसको गिरफ्तारी नहीं होती, हैदराबाद की पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं करती। हम अगर कोई बोले तो हमारे ऊपर मुकदमा, हमारी गिरफ्तारी। और ये भाकरे पहलवान मजलिस की कयादत, ये बीपाशा, ये बब्बर शेर क्या कर रहे बेटे, क्यों नहीं आवाज उठाए बोलो। आज राजा सिंह मुझे शर्म आ रही कहने के लिए मुसलमानों, इनके वालिद को ललकार रहा, इनके दादा को ललकार रहा, क्या क्या नहीं बोल रहा बोलो, नहीं कर रहे कुछ। अरे तुमसे नहीं होता कल अखबार में बयान दे दो, पूरी मजलिस की क्यादत कल अखबार में बयान दे दो, हम राजा सिंह का कुछ नहीं कर रहे, हम अब्दुल्ला खान तुम करो कुछ, फिर देखो बतलाता हूं कैसा है। क्या करता हूं देखो आप इसका, इसकी नाम पकड़ के अगर खींचा तो हरियाणा ही ने पुराने शहर, बेटे जरा बगल घर महीनों के एक बार आके तो बताओ पुराने शहर को, आओ ना तुम कितने बड़े पाकड़े पहलवाने देखेंगे। खाली आज से 4 बार में पक्की आ रहा था कोई पूजा वूजा करके, 2 बार कस के कुछ बच्चे बाजू से जा रहे थे कहते मोटरसाइकिल पे, खाली उनकी लुंगी देख के परेशान हो गया पुलिस में जाके बोल रहा हमला करे, अरे बारकस के 2 बच्चों को देख के परेशान, अब बोल रहा नहीं ठीक है इसका भी करेंगे इलाज, अब तो जबान तो बंद हो गई ना उसकी, नहीं बोल रहा ना, बोला जब फिर देखेंगे इंशाल्लाह कानूनी कार्रवाई जहां तक हो सकते करेंगे। अब रही बात इलेक्शन हुआ थोड़े दिन पहले, ऐवानी असेंबली के इलेक्शन हुए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 MLA जीते, 7 जीते ना MLA, 2 MLC, 40 कारपोरेटर, मेयर, इतनी बड़ी ताकत, 700 करोड़ की जमात, बड़ा दवाखाना, बड़ा कॉलेज, हर चीज है ना, ठीक है। जिस दिन से इलेक्शन हुआ आज की तारीख तक क्या परेशानी हो रही है मैं वो बतलाना चाहता हूं। इतनी बड़ी ताकत, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लीडर असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल में जाके वहां पर तकरीर कर रही, बिहार में वहां तकरीर करके बोल रही कि हमारी वजह से हैदराबाद में मजबूत खयालत है, क्या है मजबूत खयालत बोले इनकी। अब इनकी कितनी मजबूत खयालत है मैं बताता हूं पूरी फाइल खोल के, मजबूत खयालत है। और यहां पर जो जो वाकियात हो रही वो बिचारे हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली साहब जब अंडा देता है तो छप्पर भर के देता कहते बिचारे दूध निथारते बैठे अचानक डिप्टी सीएम बन गए, बहुत अच्छे आदमी है, मेरे वोटर है,
मैं उनकी बहुत ये एक स्कीम लाए बिचारे, शादी फंड। वो शादी फंड यानी अगर कोई गरीब लड़की की शादी होती है उसका रुका बताते हैं तो उसको हुकूमत की तरफ से 50,000। ये बिचारे उनका पेट प्रोजेक्ट है, इन्हें जाके बिहार में तकरीर कर रहा, आका मार मार के बोल रहा, यूं वहां जाके बोल रहा ये सब मेरी वजह से 50,000 मिल रहे। आप एक दूसरी चीज, उनकी मजबूत ख्यालत। मजबूत ख्यालत कैसा, मैं बहुत छोटा था, मुझे उतना ख्याल नहीं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, हिंदुस्तान और चाइना की जंग हो रही थी मुसलमानों, याद रखो। ये मजबूत खयादत का दावा करने वालों को मैं मंजर आम पर ला रहा हूं। हिंदुस्तान और चाइना की जब जंग हो रही थी, पहली मरतबा ऑल इंडिया रेडियो पे जंग की वॉइस, क्या पर आई जंग की न्यूज, 5 बजे ऑल इंडिया रेडियो पे खबरें आती थी, सुनते थे आप लोग पुराने लोग जो है, कि हिंदुस्तान की बहादुर सेना ने चाइना की सेना से मुकाबला किया और उस मुकाबले में 7,000 किलोमीटर पीछे हट गई। क्या हुआ, हिंदुस्तान की बहादुर सेना ने चाइना की सेना से मुकाबला किया, 7,000 किलोमीटर पीछे हट गए, पहले दिन की न्यूज। फिर दूसरे दिन न्यूज आई, हिंदुस्तान की बहादुर सेना ने चाइना की सेना से मुकाबला किया, 10,000 किलोमीटर पीछे हट गई। बहादुर सेना लड़ी, पहले दिन 7,000 किलोमीटर पीछे, दूसरे दिन 10,000 किलोमीटर पीछे। फिर तीसरे दिन न्यूज आई कि हिंदुस्तान की बहादुर सेना ने चाइना की सेना से मुकाबला किया, 12,000 किलोमीटर पीछे हट गई और 200 जवान शहीद हो गए। वाह रे बहादुर सेना, रोजाना बहादुर सेना लड़ी, पहले दिन 7,000, दूसरे दिन 10,000, तीसरे दिन 12,000, 200 जवान शहीद। तो ये हमारी भी बहादुर सेना ऐसी है। ये 7 MLA, ये 2 MLC, ये 40 कारपोरेटर और अली बाबा 40 चोर पूरे ये। आज से कुछ दिन पहले आगरा में एनकाउंटर हुआ ना, 5 मुस्लिम बच्चों को ले जाकर जिंदा शहीद कर दिया हूं। स्टेट टेररिज्म, ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आगे में 2007 को मक्का मस्जिद में बम धमाका हुआ। मक्का मस्जिद में बम धमाके के बाद में जो हर साल एक वाकया हो रहा था, कोई पुलिस वाले को गोली मार रहे थे, कौन मार रहे थे नहीं मालूम। पहला संतोष नगर पे हुआ, दूसरा फलकनुमा पे हुआ, तीसरा शालीमंडे पे हुआ। उसके बाद में तकरीबन 2009 या 2010 में 6 बच्चों को, टोटल 12 बच्चों को गिरफ्तार करे। 12 बच्चों को गिरफ्तार करने के लिए वकारुद्दीन, सैयद अमजद, डॉक्टर हनीफ, इजहार खान और कई बच्चे थे जो बाबा नगर, गुलशन इकबाल कॉलोनी, चंद्रायन गुप्ता, सैदाबाद, अकबरबाग, गुलशन इकबाल कॉलोनी, यही महसूस के बच्चे थे पूरे। यानी इनू शेर, मैं बताना चाह रहा हूँ, इनू शेर, शेर के पिंजरे में से बच्चों को लेके गए, लेके जाके 6 साल उन बच्चों को रखे। कितने साल रखे? 6 साल वो बच्चों को पिंजरे में रखे, वहां पर जेल में रखे। 6 साल बच्चों को रखने के बाद में वो मनहूस दिन, हिंदुस्तान का मनहूस दिन कहूंगा मैं, हिंदुस्तान की जमहूरियत का मनहूस दिन 7 अप्रैल 2015, मेरे 5 नौजवान भाइयों को आलेर की जेल से निकाला गया। 9:10 को वहां पर जीडी एंट्री हुई। आलेर तकरीबन 45 मिनट के रास्ते में लाकर आलेर बनगुंडे के एक मुकाम पर जंगल में रोककर पूरे 5 के 5 बच्चों को यह तेलंगाना सरकार की पुलिस मारकर एनकाउंटर कर दी। मेरे भाई ये बहादुर सेना, अरे मकबरों सुनो, जाओ जाकर तुम्हारे उस खैद से पूछो कि क्या इस आले के एनकाउंटर के इश्यू पर तुम क्यों खामोश है। तुम्हारे शेर से जाकर पूछो, ये देखो आप जो हथकड़ी है इसको लगी हुई। और पुलिस का क्या इल्जाम, पुलिस का इल्जाम यह है कि इन बच्चों ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। अरे जिसके हाथ बने हुए हैं, जिसके पैर बने हुए हैं, बताओ वो कैसा हमला कर सकता। 5 नौजवानों को मार के शहीद कर दिए। ये 5 नौजवानों की तस्वीर है मेरे भाई।
ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम की मजबूत खयानत मौजूद है और इस हलके के चंद्रायन गुट्टे के 3 बच्चे हैं। एक बच्चा यही आपके करीब में जो मोइनबाग में रहता है, सैयद अमजद नाम है उस बच्चे का। और आज इलेक्शन आ गया, बाजा बजाते आपके दरमियान में आ गए, विपाशा बाजा बजाते आ गए। ये असदुद्दीन और अकबरुद्दीन आज की तारीख तक भी उन 6 बच्चों के मकानों पर नहीं गए, ना उनकी मौतों में गए, ना उनके जनाजे को खंदा दिया, ना आज की तारीख तक हुकूमत ने ऐवान असेंबली में आवाज उठाई। टीआरएस एमआईएम गठबंधन, टीआरएस एमआईएम की हुकूमत दोस्ती दोस्ती चल रही, कहां से आवाज उठाते? निजामबाद में टीआरएस का मेयर इनका डिप्टी मेयर, बोधन में इनका चेयरमैन उनका वाइस चेयरमैन, पैसे में इनका चेयरमैन उनका वाइस चेयरमैन। कल तक केसीआर को गालियां देने वाले, तेलंगाना की मुखालिफत करने वाले, आज टीआरएस एमआईएम की दोस्ती हो गई मेरे भाई। ये कैसी इब्नुल वक्त की दोस्ती है, ये कैसी इब्नुल वक्त खयानत है बताओ? अगर मैं कह रहा हूं तो गलत हूं तो आओ, मैं माइक लेकर रखने के लिए तैयार हूं। ये एनकाउंटर के बदले में कौन बोलेगा बताओ? सोचो, अगर मजलिस बचाओ तहरीक की क्यादत आज ऐवान असेंबली में होती, आज ऐवान असेंबली में अगर मजलिस बचाओ तहरीक का कोई एमएलए होता, तो क्या इस हुकूमत के ये नामर्द फौज की ये हिम्मत होती कि तुम्हारे 5 बच्चों को एनकाउंटर कर दे? बदलाव क्या इन मासूम बच्चों का एनकाउंटर होता? आज से कई दिन पहले फसीउद्दीन रफीउद्दीन महमूद अली का भी एनकाउंटर हुआ था। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद में एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार करके एनकाउंटर किए, मरूम आज के मेरे शायद ऐवान असेंबली को हला दिए। अमानुल्लाह खान 4 घंटे तक ऐवान असेंबली को चलने नहीं दिए। उसके बाद में जो दूसरे बच्चों का एनकाउंटर होने का था वो रुक गया मेरे भाई। आज असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, ये टीवी चैनलों पे बैठ के इंटरव्यू देना छोड़ो, जाओ जाके पार्लियामेंट में आवाज उठाओ। पार्लियामेंट में आवाज नहीं, ऐवान असेंबली में आवाज नहीं, कोई गली के जलसे में कहीं जिक्र नहीं, कोई आले एनकाउंटर के मसले पे कोई मजलिस का आदमी बयान दिया, कोई बयान दिया फिर इसलिए और भी तुमको फॉर्म बतलाओ। अरे बाबा नगर में जो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम के चाहने वाले है, याद रखो कयामत के दिन अमजदुल्लाह खान तुमसे सवाल करेगा, रोजे महशर होगा, मैं मेरे अल्लाह से पुकार कर कहूंगा, अल्लाह मैंने तो अवाम के सामने अवाम की अदालत में फैसला रख दिया था कि ये नामर्दों की फौज है, ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम कयादत। अरे ये वो कयादत है जिसने आले एनकाउंटर के मसले पर खामोश की, ये वो कयादत है जिसने किशनबाग में पुलिस फायरिंग पर खामोशी अख्तियार की। अरे वो ये कयादत है जो 12% मुसलमानों को रिजर्वेशन के मसले पर खामोश की। केसीआर ने वादा किया था, केसीआर साहब आपने वादा किया था, नहीं किया था? हम नहीं पूछे, वो वादा किए 12% रिजर्वेशन देंगे, बोले पूरे मुसलमानों के वोट मिलेंगे। कहां गए 12% रिजर्वेशन? क्या असदुद्दीन ओवैसी का कोई बयान आया? क्या अकबरुद्दीन ओवैसी का कोई बयान है? बेचारे हमारे आमिर अली खान साहब रोजाना कोई ना कोई गांव में जाके मीटिंग अटेंड कर रही, कोई ना कोई पूरा बेचारे, अल्लाह उनको इज्जत दे, शोहरत दे, सेहत दे, पूरा अखबार वक्त कर दिए। क्या इनका एक है ना वो कौन सा चैनल है वो चोर टीवी, कभी सुने आगे एनकाउंटर के बारे में? वो एक इनका अवैध है ना अखबार, झूठ का घर चैनल है ऊपर का, वो झूठ का घर एक अखबार है इनका, वो चोर चैनल। कभी सुने 12% रिजर्वेशन के बारे में? कभी सुने आले एनकाउंटर के बारे में? क्या कभी 12% मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम एहतजाज करेगी बोल के कोई बयान आया? नहीं, इसलिए नहीं कि आपने अपने सियासी शहूर का अगर सही